नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेशी कलम। पति की दीर्घायु के लिए शुक्रवार को गुजराती व मराठी महिलाओं ने वट सावित्री व्रत रखा और अपनी पति की लंबी उम्र की कामना की। व्रती महिलाओं ने विधि विधान से वट वृक्ष के नीचे धूप दीप नैवेद्य फल फूल व मेवा मिष्ठान अर्पित कर भोग लगाया और फिर वट वृक्ष की परिक्रमा कर कच्चा सूत बांधा। महिलाओं ने सिलवासा कलेक्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित सोसाइटियों में वट वृक्ष की पूजा की। मान्यता है कि सावित्री ने अपने पति सत्यवान के जीवन के लिए यमराज की वट वृक्ष के नीचे पूजा की थी। देखिए स्वदेशी कलम की खास रिपोर्ट। ये वट सावित्री व्रत का त्यौहार है। जब सावित्री देवी अपने पति के प्राण लेने के लिए बरगद के पेड़ के ऊपर से चढ़कर यमराज जी के पास से वो अपने पति का प्राण लेके आई थी। तब से ये वट सावित्री पूनम जेठ महीने में आती है, तो उसे वट सावित्री पूर्णिमा कहते हैं। इसके लिए सौभाग्यवती स्त्री अपने पति की आयु के लिए उपवास करते हैं पूरे दिन और वर के बरकत के पेड़ की पूजा करते हैं। क्या विधियाँ हैं त्यौहार मनाने की? सबसे पहले वो त्यौहार मनाने के लिए पहले गणपति जी की पूजा होती है, उसके बाद वर देवता वर के बरकत के पेड़ की पूजा होती है और फिर बाद में उसके लिए जो मन्नत वो लोग मानते हैं वो करते हैं और बाद में अपने पति की आयु की उम्र के लिए तो सूत का धागा वर्ग बरकत के पेड़ को विकास जो घेरा लगा दे। हम वट सावित्री पूनम का जो उपवास रखते हैं वो अपनी पति के लंबी आयु के लिए रखते हैं। इस दिन सभी लेडीज़ सुबह से उपवास रखती है, फलाहार में फल वगैरह जो लेती है वो सब ये करके सब पूजा करके पति की लंबी आयु के लिए कामना करते हैं। कितना साल से कर रहे हैं? हम 17 साल से कर रहे हैं।